आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का जिला मुख्यालय पर हो रहा है प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। मौत की मॉक ड्रिल मामले में जारी है प्रदर्शन। पारस अस्पताल की जांच में मिली थी क्लीन चिट, जिसके बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आगरा से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, पारस हॉस्पिटल को जांच में क्लीन चिट मिल गई थी, जिसके बाद से लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है और आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने सरकार के विरोध में नारे लगाए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां भाकियू नेता ने डीसीपी ईस्ट को सौंपा है ज्ञापन। साहू सिटी के फर्जी बाड़े को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। दर्जनों पीड़ितों को लेकर संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। साहू हाउसिंग कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। किसानों को बंधक बनाकर रजिस्ट्री कराने के आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां भाकियू नेता ने डीसीपी ईस्ट को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि साहू सिटी ने के फर्जी बाड़े को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। दो आरोपियों को एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। पैसे और डरा धमका कर लोगों का धर्मांतरण किया जाता था। धन परिवर्तन कराने में आईएसआई का भी हाथ बताया जा रहा है। एसटीएफ ने उमर गौतम को भी गिरफ्तार किया है। बाटला हाउस नई दिल्ली का रहने वाला है आरोपी। उमर गौतम का साथी जहांगीर भी गिरफ्तार किया गया है। वही इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए अनुष्का, उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस विंग को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो काजी हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कही जाएगी कि इन लोगों ने एटीएस अफसरों के सामने इस बात को कबूला है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया है, जिसमें ना सिर्फ महिलाएं युवक शामिल थे बल्कि मूकबधिर जो लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। तो एटीएस के जो अफसर हैं उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि जहांगीर और उमर गौतम दो ऐसे काजी हैं जो इस चीज को, इस पूरे रैकेट को, इस पूरे सिंडिकेट को दिल्ली से चलाया करते थे, और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इनके जो साथी हैं वो इस पूरे रैकेट को आसानी से चला रहे थे। मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी, ये ऐसे लोग हैं जो उमर के साथी हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर वो धर्मांतरण के संबंधित जो भी प्रमाण पत्र होते थे व विवाह से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र होते थे, जो विधि विरुद्ध धर्म से बनवाए जाते थे, वो सारे कागजात प्रोवाइड कराते थे। एक बड़ा ये नोएडा डेफ सोसाइटी का नाम सामने आया, जो गौतम बुद्ध नगर में है, जहां पर मूकबधिर बच्चों का रेसिडेंशियल स्कूल है। इसी के जैसे कई स्कूल के बच्चे, छात्र और छात्राएं, उन लोगों का ना सिर्फ धर्म परिवर्तन कराया जाता था बल्कि उनको बाहर ले जा करके उनकी शादी भी कराई जाती थी, और इसी तरीके के जो प्रमाण पत्र थे वो उनके सामने रखे जाते थे और उनका धर्म पूरी तरीके से बदल दिया जाता था और रेडिकलाइज कराया जाता था। काफी बड़ा रैकेट है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना सिर्फ कानपुर, नोएडा और मथुरा, बल्कि इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी ये पूरा रैकेट काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कही जाएगी कि आईएसआई और विदेशी फंडिंग से इसका जो फंड था वो आता था और उसी के जरिए धर्मांतरण करता थे, ताकि पैसे के बल पर डरा धमकाकर और अन्य चीजों का उनको प्रबल दे करके उनमें धन परिमार्जन की जो चीजें थी वो पूरी तरीके से कराई जाती थी। जो उमर गौतम ने एटीएस के अफसरों के सामने कबूला है, ये कहा है कि प्रक्रिया होती है धर्मांतरण की, उस पूरी प्रक्रिया को कराने के बाद उन्हें लीगल करार दे दिया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये रैकेट तकरीबन 2 साल से एक्टिव था। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा करके जो ये धर्मांतरण की जो प्रक्रिया को पूरा कराते थे, इन लोगों का साथ कौन देता था और ये कब से और कितने लोगों के साथ इस रैकेट को चल रहा था, ये हालांकि पूछताछ में भी बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन इन जो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जहांगीर और उमर गौतम की, इनसे पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रैकेट जो धर्मांतरण का है वो खुलकर के सामने आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी जहांगीर को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उमर गौतम को भी गिरफ्तार किया गया है।